फ्रेंड्स, लच्छा पराठा आपने कई बार खाया होगा, बट इस तरह का लहसुनी लच्छा पराठा कभी भी नहीं खाया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ खूब सारे परतों वाला लहसुनी लच्छा पराठा। चटपटा और मसालेदार, इतना ज्यादा टेस्टी है कि आप हर दिन इसे बनाना पसंद करेंगे, और आसान भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए झटपट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आटा लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है, इसे एक बोल में डाल देंगे। अब इसमें चुटकी भर नमक ऐड करके हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका थोड़ा नरम सा आटा गूंथ लेंगे। ठीक वैसे ही आपको आटा लगाना है यहाँ पे, जैसे कि हम चपाती या पराठे के लिए आटा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, अच्छा सॉफ्ट नरम सा आटा मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम आटे को 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए आटा और काफी ज्यादा नरम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, आटे को मैंने 5 मिनट तक छोड़ दिया था ढक करके ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। आटे को थोड़ा सा और गूंद लेंगे ताकि आटा खूब नरम और चिकना हो जाए। आप आटे को जितना गूंदेंगे पराठे आपके उतने ही नरम, मुलायम और टेस्टी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे आटा हमारा खूब चिकना और नरम हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हमने यहाँ पे गूंद लिया है। अब आटे को हम 2 भागों में तोड़ लेंगे और लोइयां बना लेंगे। थोड़ी बड़े साइज की लोइयां मैं यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे लच्छा पराठा, जिसके लिए हमें थोड़ी बड़ी लोइयों की जरूरत है। तो देखिए आटे को 2 भाग में मैंने तोड़ लिया है। अब हथेलियों में अच्छे से घुमाते हुए लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद इसे किसी फ्लैट सरफेस पे हम रख करके बेलेंगे। बेलने से पहले थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे जिससे कि ये चिपके ना, और हम इसे बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी चपाती सी मैंने बेल ली है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा देंगे अच्छे से फैलाते हुए। घी आपको खूब अच्छे से हर साइड पे फैला कर लगा लेना है, कहीं पे भी नहीं छोड़ना है, तभी इसमें खूब सारी परतें बनेंगी। अच्छे से घी को फैला के लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे फैलाते हुए। इसके बाद हल्के हाथों से इसे बराबर करके फैला लेंगे इस तरह से, आप देख लीजिए वीडियो में। इसके बाद हम इसके ऊपर से डाल देंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स नहीं है तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे डालने के बाद भी हल्का सा हाथों से फैला लेंगे। मैं यहाँ पे खूब चटपटा और मसालेदार स्पाइसी सा पराठा बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अपने मन मुताबिक मसाले डाल सकते हैं, यानी कि आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से मसाले कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाल दिया है फैलाते हुए। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल रही हूँ। आप यहाँ पे दोनों ही ऐड करें, साबुत जीरा और भुने हुए जीरे का पाउडर, क्योंकि दोनों का फ्लेवर बिल्कुल अलग अलग आता है, तो दोनों से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दूंगी, और आखिर में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगेनो। ओरिगेनो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखा यहाँ पे कितने सारे चटपटे से मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, जिससे कि ये जो पराठा है काफी ज्यादा स्पाइसी चटपटा सा बनने वाला है। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरह से आपको पराठे को फोल्ड कर लेना है zigzag करते हुए, और काफी अच्छे से इसमें लेयर्स बनेंगे। इस तरह से लेयर्स में थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे फोल्ड करेंगे, तो काफी अच्छे से लेयर्स इसके खुलेंगे। इस तरह से जिगजैग करते हुए इसे फोल्ड करने के बाद हम इसे रोल करते हुए फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको इसे फोल्ड कर लेना है, और जो इसका एंड वाला पार्ट है उसे इस तरह से बीच में ला करके दबा देंगे। तो इस तरह से हमारा लेयर्स वाला लच्छा पराठा बेलने के लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए अभी से कितना ज्यादा लेयर्स वाला लग रहा है देखने में, और कितना ज्यादा चटपटा यम्मी लग रहा है। अब आने वाला है वो मेन पार्ट जिससे इसका नाम पड़ा है, लहसुनी पराठा। जी हाँ, अब यहाँ पे थोड़े से मैंने बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इसके ऊपर पराठे को रख करके हम हल्का सा प्रेस करेंगे तो लहसुन की कलियाँ इसमें खूब अच्छे से चिपक जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, कितने अच्छे से चिपक गई ना। तो बस इस तरह से जब ये हल्के से चिपक जाए तो हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस पराठे को बेलना है, बिल्कुल नई पराठे की रेसिपी है। इस ठंडी के मौसम में इस पराठे को आप खाएंगे तो बिल्कुल गर्मी का एहसास होगा, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली, आपको चुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पराठे को बेल लिया है हल्के हाथों से। अब पराठे को हम मीडियम गर्म तवे पे डाल देंगे इस तरह से। पराठे को मीडियम फ्लेम पे हम रहने देंगे 1 मिनट तक। इसके बाद हम इसे पलट कर दूसरे साइड से 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही सेक लेंगे। इसके बाद हम इसे फिर से पलट कर दूसरे साइड में अच्छे से तेल या घी लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें अच्छे से मैं लगा दूंगी एक साइड पे पहले घी, इसके बाद इसे पलट कर दूसरे साइड भी हम अच्छे से तेल या घी लगा लेंगे।
अब हम फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई पे कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट तक दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार हो चुका है हमारा टेस्टी यम्मी चटपटा स्पाइसी लहसुनी लच्छा पराठा। देखने में जितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये आप दे सकते हैं। 1 लहसुनी लच्छा पराठा काफी होगा आपकी सर्दी को दूर भगाने के लिए। और लेयर्स देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से आई है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा पराठा तैयार हो चुका है हमारा। बच्चों के लंच बॉक्स और हस्बैंड के टिफिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो फ्रेंड्स अभी जाइए और रेसिपी को ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आज की रेसिपी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।